नमस्कार। स्टॉप टीवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉप टीवी स्टूडियो पर आजकल एक ऐसे महामानव के संस्मरण की श्रृंखला चल रही है जो चिकित्सक होते हुए कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास और पुरातत्व सभी में उनकी दिलचस्पी थी और वो आम आवाम और गरीबों के लिए सदा तत्पर रहा करते थे उसकी सहायता के लिए। ऐसे डॉक्टर पीयूष गुप्ता, पीयूषेंदु गुप्ता या पी गुप्ता, जो नाम आप उनका दें, बेगूसराय के और पटना के चप्पे चप्पे पर उनके संस्मरणों का जखीरा पड़ा हुआ। ऐसे तो उनको देश और संपूर्ण बिहार के लोग जानते हैं आदर्श चिकित्सक को। उनके लिए संस्मरण मैं एकत्र कर रहा हूं स्टॉप टीवी की ओर से और आज मैं बैठा हुआ हूं वैद्य यू चंद्रा जी के वो क्लिनिक में। आप यूं तो आयुर्वेद आचार्य हैं, जीएमएस हैं, लेकिन हड्डी रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं जो आयुर्वेदिक पद्धति से किसी भी तरह के अस्थि रोग, अस्थि में टूट फूट हो और उसको बिल्कुल 1 सप्ताह से 15 दिनों में उसको ठीक ठाक कर देते हैं। लखवा के तो इसमें स्पेशलिटी है इनकी, ये किसी भी उम्र के लोगों को 1 सप्ताह में अनेक लखवा के रोगी ठीक होते हैं। नस संबंधी तमाम रोगों पर जैसे साइटिका हो, गठिया हो, उसके इलाज के लिए ये मशहूर है। तो मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप डॉक्टर पी गुप्ता के संबंध में आपके जो संस्मरण है उससे आम आवाम को लाभान्वित करवाएं, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसे महापुरुष के जीवन से कुछ सीख भी सके और आने वाले जो चिकित्सक हैं वह भी उनके इन संस्मरण का लाभ ले सके। उनकी मुख्य विशेषता हम देखें तजुर्बा था और कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ावा करने में जितना बढ़ा उनके समय में, चाहे वो स्टूडेंट फ्रंट पर हो, चाहे लेबर फ्रंट पर हो, तमाम फ्रंट के लोगों को वे तमाम तरह के सहायता देते, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, चाहे जिस किसी का भी जरूरत के मुताबिक हो उसको मदद करते थे। खास करके एक मार्क्सवादी का जो एक सोच होता है जनता के बीच मिलनसार होना, जो उनमें कूद कूद कर बड़ा हुआ है और चिकित्सा जगत में वे जो आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र हों उन सभी को वो अपने यहाँ रखते थे और उसको एलोपैथिक साइंस के तजुर्बा से लैस करवाते थे। उसी क्रम में मैं भी एक ऐसा उनका शिष्य था जो ग्रेजुएशन करने के पहले से ही उनके यहाँ था और उन्होंने बहुत गहरा से गहरा ढंग कर हमको शिक्षा दिए, राजनीतिक शिक्षा भी दिए और चिकित्सा क्षेत्र में ऐसा ज्ञान दिए कि सबसे पहले मैं गढ़पुरा प्रखंड के मुख्यालय में चिकित्सा कार्य करता था और उस इलाके में डॉक्टर का माने होता था यू चंद्रा। इतना ज्ञानी, इतना व्यवहारिक ज्ञान उन्होंने दिया कि मुझे बहुत ही जस प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ। वैसा ही समय में कोई शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य जगत में लोग नहीं मिल गए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही व्यक्तिगत संस्मरण सुनाया लेकिन वो अपने आप में बड़ा महत्व है।
कि डॉक्टर पी गुप्ता के यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज के भी लड़के जब आते थे तो उसको भी किस तरह से आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच में जो समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा की बात करते थे, ये अनुकरणीय है, आदरणीय है। और उनके अनेक चिकित्सक, अभी आयुर्वेद कॉलेज के एक चिकित्सक डॉक्टर टीएन गुप्त का भी संस्मरण मेरे पास आ चुका है, वो अभी आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होने वाला है। और आप तो बेगूसराय के और बिहार के बड़े ही नामी अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी, आपके पास कोई संस्मरण हो तो हमारे इस नंबर पर 7004839500 पर प्रेषित करें। ये हमारा व्हाट्सएप का भी नंबर है, इस पर आप चाहे तो अपने संस्मरण को वीडियो की का वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। अगर चार चार मिनट के छोटे छोटे टुकड़ों में भेजें तो आपको भेजने में सहूलियत होगी और हमको लोड करने में सहूलियत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर डॉक्टर यूचंद्रा का धन्यवाद करते हुए स्टॉप टीवी की ओर से बहुत बहुत आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।